सुभाष चंद्र बोस भारत देश के महान स्वतंत्रता संग्रामी थे। उड़ीसा के एक परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस एक शब्द परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए न्योछावर कर दी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इनका जन्म स्थान था कटक, उड़ीसा। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 में जापान देश में हुई थी। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीदास बोस बहुत ही मशहूर वकील थे और जानकीदास बोस और प्रभावती की कुल 14 संतानें थीं, 8 बेटे और 6 बेटियां, जिनमें से सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान थे। बोस बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही रुचि रखते थे, वहीं दूसरी ओर खेलकूद में उनकी बिल्कुल भी रुचि ना थी। अपनी स्कूल की पढ़ाई कटक से ही पूरी की थी और आगे की पढ़ाई के लिए वह कोलकाता चले गए। वहां प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी में उन्होंने बीए किया। उसी कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर के द्वारा भारतीयों को सताए जाने के कारण नेताजी इस बात का बहुत विरोध करते थे। उस समय जातिवाद का मुद्दा आग की तरह बढ़ रहा था। यह वही समय था जब नेताजी के मन में अंग्रेजों के प्रति जंग शुरू हुई। सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे, पर उस समय भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज जैसी नौकरी करना बहुत ही मुश्किल था। नेताजी की इसी उत्साह को देखकर उनके पिता जानकीदास बोस ने उन्हें सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। यह परीक्षा नेताजी ने उत्तीर्ण की और वह इस परीक्षा में 4th स्थान पर रहे। स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। जी के बदले देश की आजादी को लेकर बहुत ही चिंता थी। वह हर हाल में देश को आजाद कराना चाहते थे और इसी कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। नेताजी कोलकाता में चितरंजन दास के नेतृत्व में कार्य करते थे। नेताजी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसी प्रकार वह अपने आखिरी सांसों तक इस देश के लिए लड़े। जो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारा नेता कैसा हो, सुभाष चंद्र बोस जैसा हो।